ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे फ्रेंड्स अपनी लाइफ में। और हम एक नो कांटेक्ट पे लव टैरो रीडिंग बनाने लगे हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखूंगी, फिर आपके पार्टनर की, एंड फाइनली हम डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे फ्रेंड्स आपके लिए। ये सन एंड मून राइजिंग दोनों से है, इवन आप इसे अपने नाम से भी मैच कर सकते हैं जो आपको रेजोनेट करे फ्रेंड्स। और प्लीज़ ये एक जनरल रीडिंग है, तो किसी भी चीज़ को अपने ऊपर आप फोर्स मत करें। सारी चीज़ें आपसे मैच नहीं हो सकती, हर चीज़ आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सारी की सारी चीज़ें ही मैच हों, ठीक है। और जितने भी लोग जो आज न्यू हैं, जिन्होंने मेरे चैनल पे आज पहली बार ज्वाइन किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। रीडिंग को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और इसी पॉजिटिव नोट पे मैं रीडिंग बनाना स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स। चलिए सो लिब्रा राशि देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है आपके खुद की एनर्जीज फ़िलहाल। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालती हूँ, आप क्या एनर्जी फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो, अभी फ़िलहाल इस नो कांटेक्ट में आपका दिमाग जो चल रहा है वो इस तरह से चल रहा है कि सबसे पहले तो आप पहले अगर अपने बारे में सोचते थे कि नहीं सोचते थे, अभी आपको ऐसे हो रहा है कि ये मैंने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा, मैं अपने बारे में सोचूं, वाई आई वॉज़ नॉट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपनी ग्रोथ के बारे में क्यों नहीं सोचा, मैं इस लव इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा फंसा लिया खुद को कि मैंने आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ, खुद को ही मैंने लूज़ कर दिया। जो भी हार्ट ब्रेक मिला है, जो भी एंडिंग आई है, जो भी आपको पेन मिला है, आपने अभी फ़िलहाल अपनी सारी प्रॉब्लम सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ भगवान पे छोड़ दी हैं। आपने सोच लिया कि अगर मेरे साथ अच्छा होना होगा तो वो भी हो जाएगा, बुरा होना होगा तो वो भी हो जाएगा, मुझे अब अपनी लाइफ पे खुद पे फोकस करना है, अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करना है, अपने लाइफ को एक नए लेवल पे लेके जाना है। आप ज़्यादा इस लव के बारे में, इस इन चीज़ों के बारे में कम सोच रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि नो मैटर, मैंने इतना ज़्यादा एफर्ट लगाया, इतना ज़्यादा प्यार किया, इतना समय दिया, इतना पैशन दिया इस रिलेशनशिप को, तो क्या मिला मुझे। एक उस तरीके की एनर्जी में हैं आप, और जैसे इंसान को लगता है कि भाई मुझे क्या मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला ना, एट द एंड ऑफ द डे आई एम एम्प्टी हैंडेड, वही मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी एफर्ट लगाई तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, फिर भी ये नो कांटेक्ट आ गया, फिर भी मेरी ये शादी में प्रॉब्लम्स आ गई, फिर भी इस रिलेशनशिप में, इस कमिटमेंट में प्रॉब्लम आ गई, इतनी मैंने इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाई, उसके बाद भी इतना इक्वल गिव एंड टेक किया, उसके बाद भी नहीं चीज़ें बन पाई। सो नाउ यू हैव काइंड ऑफ गिव अप कर दिया है, या पॉज ले लिया है, या एक साइकिल को ख़त्म कर दिया है, एंड यू आर थिंकिंग कि नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, आई एम नॉट थिंकिंग, आई डोंट वॉन्ट टू थिंक, आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट माई सेल्फ। ऐसे वाली एनर्जी में अभी लिब्रा राशि आप हो। आई डोंट नो दिस इज ट्रू, कितनों के साथ ये रेजोनेट होगा कमेंट में ज़रूर बताना, अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो ठीक है। अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। जस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, सेवन ऑफ सोर्ड्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। देखो जस्टिस से मुझे दिख रहा है, अब आपके पार्टनर को जब आपने जब खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया, खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया, तो उनको भी ये लगने लगा कि देखो ये अभी फ़िलहाल मेरे पर अब
सो बेसिकली बैलेंस बैलेंस पे फोकस है, रीडिंग स्टार्ट ही बैलेंस पे, जस्टिस पे हुई है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, उनके साथ चीज़ें बैलेंस नहीं की गई, उनके साथ कुछ गलत हो गया, ये नो कॉन्टैक्ट आ गया मेरी लाइफ में, क्यों आ गया, मैं क्या करूँ, मैं तो हैंग हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ही और शी हिमसेल्फ इज़ हैंग्ड नाउ, अपने आप को लटकू बना दिया है, समझ में नहीं आ रहा कि भाई लाइफ में मुझे क्या डिसीजन लेना है, मैं गिव अप कर दूँ, मैं गिव अप करूँ पर मेरे को तो पुरानी बातें नहीं भुलाई जाती। देखो गलती मुझे इन्हीं की ज़्यादा लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिग्रेट मोड में है अभी फ़िलहाल। ये बैलेंस करना चाहते जब चीज़ें काफ़ी गड़बड़ हो गई हैं, जब आपने भी क्या करा, आपने पुरानी चीज़ों को एक बार बहुत सोचा एंड फाइनली आपने गिव अप कर दिया। अब आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, अब इन्हें क्या चाहिए, इन्हें नई शुरुआत चाहिए, ये चाहते हैं दोबारा से रिवाइव हो जाएं चीज़ें, दोबारा से चीज़ों में एक न्यू बिगनिंग हो जाए, दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएं, ऐसा, क्योंकि ये एंडिंग नहीं चाहते। देखा सिक्स ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ये एंडिंग नहीं चाहते, चाहते हैं कि अब मैं भी अपनी तरफ से अच्छा करूं, आई सामने वाला भी मेरी तरफ अच्छा करे, ये एंडिंग जो है ना हमारे बीच में ख़त्म हो जाए और हम दोनों मिलकर ना अब अपने रिलेशनशिप पे फोकस करें, अब हम दोबारा से अपनी लाइफ को हैप्पी बनाएं, दोबारा से हम अच्छे से अपनी शादी को रिलेशनशिप में फिर से प्यार डालें और वो चीज़ करें। बहुत सोच रहे हैं, बहुत दिमाग चला रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, इंटेंशंस भी यही हैं कि चीज़ें ना ठीक हो जाएं, लेकिन चाहने से तो अभी एकदम ठीक नहीं होंगी ना, उसके लिए करने पड़ेंगे एफर्ट्स। सो अब देखते हैं डिवाइन गाइडेंस फ्रेंड्स, आपकी पार्टनर की रीडिंग देखने के बाद आपके लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। सो डिवाइन ऑर्डर, डू वट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो जो आपको ठीक लगता है ना सबसे पहला आप वो करें, ठीक है। और आपके लिए ये कोई लेसन था जो ये जो कुछ भी हुआ या जो कुछ, ये पूरा एक साइकिल ख़त्म हुआ एंड फाइनली अब आपको अपनी वैल्यू पता लग रही है, आप अपने पे फोकस करना शुरू हो गए, अपने बारे में आप तो भूल ही गए थे कि आप कुछ हो, बट नाउ आप एक इम्पॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड कर रहे हो या एक इम्पॉर्टेंट लेसन डिवाइन अनफोल्ड कर रहा है आपके लिए। एंसेस्टर स्पिरिट कहते हैं कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वूंड और पैटर्न में कैन बी हील्ड नाउ। तो मे बी ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था जो आपको कहीं ना कहीं कोई कार्मिक अकाउंट बैलेंस आपका सेटल करने आया था और अब शायद वो बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से शायद आप दोनों मे बी आफ्टर सम टाइम, अभी नहीं तो चीज़ें शायद एक समय के बाद ठीक भी हो जाएं। या फिर ये कोई वूंड था या कोई पैटर्न था जो बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन बन रही थी और अब उसका एक अंत हुआ है, या अंत नहीं हुआ तो उसमें एक ऐसा समय आ गया जहाँ से वो दोबारा अब आगे बढ़ेगा, तो एक ढंग की तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स आप इससे रेजोनेट कर पाए हो रीडिंग से, अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बताना, कांटेक्ट करना रीडिंग के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए अगर करानी हो, और क्लेम करना एनर्जी को, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, वीडियो को। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।